नमः शिवाय। सावन मास शुक्ल पक्ष मंगलवार तृतीया तिथि सुबह 5:45 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शाम 5:25 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात हस्तिनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, विद्या से धन अर्जित करने वाले, दयालु, धैर्यवान, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले, आशावादी, हंसमुख और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक अपनी प्रशंसा करने वाले, राजसी शौक वाले, विद्वान, उच्च शिक्षा से लाभान्वित होने वाले, अपने ज्ञान बल से धनार्जन करने में कुशल और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है और सामाजिक रूप से अग्रणी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा सूर्य और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी बुध देव हैं। शुक्र और चंद्रमा की युति कन्या राशि में बनी हुई है, जिस पर केतु की नवम दृष्टि साथ ही साथ शनि की दशम दृष्टि भी पड़ रही है। मानसिक रूप से अस्थिरता का संकेत मिलता है और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी। मानसिक सोच और कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव भी संभावित है और आज के नक्षत्र स्वामी सूर्य राहु और बुध के साथ कर्क राशि में चल रहे हैं, जिसका प्रभाव भी प्रत्येक जातकों पर उनके अपने अपने कारकों और महादशा के अनुसार पड़ता रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस करेंगे। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी राशि से छठवें बैठे हैं। नए काम रुक रुक कर होंगे। असंतुष्टि और उत्साह की कमी का संकेत भी मिलता है। नवीन कार्ययोजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। हालांकि योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सहयोग बना रहेगा और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। वृष राशि वाले जातकों के बौद्धिक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा में विकास होगा। रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी। बुद्धि चातुर्य से अपने व्यावसायिक गतिविधियों में सफल रहेंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। अधूरे और रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। संतान संबंधी अनुकूलता और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। निजी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों की सकारात्मक कार्य ऊर्जा बनी रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे, मगर आर्थिक लेन देन के मामलों में ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेने चाहिए। हालांकि व्यवसाय की योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी लाभदायक रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। बच्चों से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। निजी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभावित हो सकते हैं। व्यावसायिक लेन देन में भी सावधानी रखें और निजी संबंधों के प्रति सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य क्षेत्र के प्रति विस्तार और विकास का संकेत भी मिलता है। संबंधित मामलों में आ रही अड़चनें खत्म होंगी। काम की अधिकता के साथ साथ ऊर्जा स्तर भी बढ़ा रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक लाभ बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर संतान पक्ष से चिंता संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मगर स्वास्थ्य के साथ ही साथ अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियां बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। सिंह राशि वाले जातकों को धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और आर्थिक लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मगर निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव भी संभावित है। हालांकि नई कार्ययोजनाओं के प्रति आपकी सक्रिय सोच जारी रहेगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ बना रहेगा। बच्चों और पारिवारिक मामले में सुख और संतुष्टि मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत वाला दिन है, मगर कुछ मामलों में रुकावट, अनावश्यक धन खर्च, सरकारी अभियोग, दोषारोपण व विवाद इत्यादि का संकेत भी मिलता है। सावधानी अपेक्षित है।
कन्या राशि वाले जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर मानसिक क्षमता में कमी संभावित है। हालांकि व्यावसायिक योजनाओं में साझेदारी सफलता दिलाएगी, मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभावित है। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व विकास होगा। बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें, मगर आर्थिक निवेश और व्यापारिक लेन देन में सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों के आर्थिक मामलों में व्यय की स्थिति, अनचाही यात्रा और अपने घर गृहस्थी पर खर्च की स्थिति बनी रहेगी और यदा कदा मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है, मगर शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा, मगर व्यय भी संभावित है। साथ ही साथ व्यावसायिक योजनाओं में अचानक विवाद या रुकावट की संभावना भी बनती है। परिस्थितियों के अनुसार माहौल को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। संतान व शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की आय संबंधी संसाधनों की वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र के उत्थान की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे और आध्यात्मिक प्रेरणा का योगदान मिलेगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। खान पान और जीवन स्तर में सुधार और घर परिवार के विकास पर ध्यान आकर्षित होगा। व्यावसायिक योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। बच्चों के मामले में व्यय की स्थिति बनी रहेगी। बनते हुए कामों में अचानक रुकावट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक नुकसान भी संभावित है। संबंधित मामलों में सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र को सुचारू ढंग से चलाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी व नई कार्य योजनाओं के विस्तार में सहयोग मिलेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट और स्वास्थ्य के प्रति चिंता का संकेत मिलता है। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यावसायिक योजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धि कौशल और मेहनत के बल पर सुलझाने में सफल रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी। भावनात्मक उत्तेजना कायम रहेगी, फिर भी प्रतिकूल माहौल को अपने अनुसार करते जाएंगे। सहयोगियों से वाद विवाद संभावित है, मगर आय संबंधी मामलों में सहयोग जारी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धार्मिक भावना बलवती होगी। कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां पूरी होंगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई योजनाओं में निवेश और साझेदारी के कामों में रुकावट संभव है। संबंधित मामलों में उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा। निजी सुख में कमी, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, घर गृहस्थी में अनावश्यक वाद विवाद और भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अनुकूल माहौल और सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। हालांकि वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर जारी है। नई कार्य योजनाएं लाभदायी होंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट हो सकती है। व्यावसायिक विवाद और उलझने संभावित हैं। अनावश्यक यात्रा, आर्थिक लाभ में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं और मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव भी संभावित है। वाहन धीमे और सावधानी से चलाएं। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्य योजनाओं में चल रही रुकावटें दूर होंगी और सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। साझेदारी के मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। आपकी राशि से पांचवें घर में राहु और सूर्य के कारण समय समय पर उत्साहहीनता, काम करने की प्रवृत्ति में कमी, दोषारोपण और पेट संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। सावधानी बनाए रखें और खान पान को संतुलित रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।